हाय एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। लास्ट वीक हमने दी मद्रास ट्रेडर का पे स्ट्रेटजी कॉल्ड एज अल्टीमेट ट्रेडिंग मेंबरशिप डायनामिक जोन वाली स्ट्रेटजी जो था वो हमारे चैनल पे पोस्ट किया था। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का जरूर चेकआउट कर सकते हो। सो इन दिस वीडियो वी विल सी अनदर स्ट्रेटजी। क्रेडिट फॉर द स्ट्रेटजी गोज टू अक्षता उड़पा फ्रॉम CA अक्षता उड़पा यूट्यूब चैनल विच हैज ओवर 90K सब्सक्राइबर्स। आप उनके चैनल देख सकते हो स्क्रीन पे। हमारे भी जल्दी 7K होने वाले हैं अपने चैनल पे, तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो जल्दी कर दो यार। सो टुडेज वीडियो इज पार्ट ऑफ अवर फेमस यूट्यूबर्स फ्री स्ट्रेटजी सीरीज वेयर वी टेस्ट स्ट्रेटजीज प्रोवाइडेड बाय योर फेवरेट यूट्यूबर्स एंड बैक टेस्ट दो स्ट्रेटजीज एंड कैलकुलेट द रियल विन रेट। सो टुडे वी आर गोइंग टू बैक टेस्ट अनदर फेमस स्ट्रेटजी कॉल्ड एज सुपर ट्रेंड प्लस RSI स्ट्रेटजी प्रोवाइडेड बाय CA अक्षता उड़पा। स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख रहा होगा ये वाला वीडियो। ये स्ट्रेटजी सिंपली एक 3 इंडिकेटर सेटअप है जो उन्होंने यूज़ किया है। उन्होंने ये स्ट्रेटजी को निफ्टी में यूज़ किया है और हमें बताया कि आप इसको स्टॉक्स में यूज़ कर सकते हो। और सिंस हम इस स्ट्रेटजी को निफ्टी में यूज़ करने वाले हैं, जैसे आपको पता है हम निफ्टी और बैंक निफ्टी स्ट्रेटजीज को फ्यूचर्स में टेस्ट करते हैं, तो इंट्रो के बाद हम स्ट्रेटजीज पे चलते हैं जहाँ हम सुपर ट्रेंड प्लस RSI स्ट्रेटजी को टोटल 100 टाइम्स टेस्ट करेंगे निफ्टी 50 में और इसका असली विन रेट चेक करेंगे। So hi everyone, this is Pranit from Trader Insight. Let's start the video. चलिए सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे और इसमें निफ्टी का चार्ट ऐड कर देंगे। इधर ऊपर क्लिक करके जस्ट आपको निफ्टी सर्च करना है, तो यहाँ पर आपको दिखे निफ्टी 50 दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर दो और ये हो गया प्लॉट। अब इसके बाद आपको टाइम फ्रेम को चेंज करके 3 मिनट्स कर देंगे। ओके, अभी आपको इधर ऊपर इंडिकेटर्स में जाना है और यहाँ इंडिकेटर्स में आपको सुपर ट्रेंड सर्च करना है। अभी ये सुपर ट्रेंड को आपको 2 बार ऐड कर देने का चार्ट पे। अब फर्स्ट सुपर ट्रेंड का सेटिंग्स ओपन करेंगे और इनपुट में ATR लेंथ को 10 ही रहने देंगे और फैक्टर को बस 2 कर देंगे। अब यहाँ पर इसमें स्टाइल्स में जाके दोनों प्लॉट बैकग्राउंड को अनटिक करेंगे और अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड में थिकनेस हम बढ़ा देंगे। ये वाला स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है, इसके बाद लास्ट में ओके कर देंगे। अभी सिमिलरली हम सेकेंड सुपर ट्रेंड भी ओपन करेंगे, सेटिंग्स में ATR लेंथ को सेम 10 रखेंगे, बस फैक्टर्स को यहाँ 3 के जगह 4 कर देंगे। इसमें भी स्टाइल्स में दोनों प्लॉट बैकग्राउंड अनटिक करेंगे और अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में थिकनेस बढ़ा देंगे। ये भी स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है और इसको ओके कर देंगे। चलिए अब इसके बाद एक और इंडिकेटर ऐड करेंगे, जस्ट इंडिकेटर में जाके RSI सर्च करेंगे और इसको चार्ट पे प्लॉट कर देंगे। अब RSI के सेटिंग्स में जाएंगे और सिर्फ RSI, RSI अपर बैंड और RSI लोअर बैंड को टिक रखेंगे और बाकी सबको अनटिक कर देंगे। इधर अभी RSI अपर बैंड में 60 कर देंगे और RSI लोअर बैंड को 40 कर देंगे और ओके दबा देंगे। ये लीजिए सेटअप रेडी। चलिए रूल्स फॉर बाय एंट्री देखते हैं। बोथ सुपर ट्रेंड शुड बी ग्रीन, सेकेंड RSI शुड बी अबव 60, थर्ड कैंडल वेयर ऑल दिस कंडीशन आर सेटिस्फाइड द कैंडल शुड बी अबव द सुपर ट्रेंड, अबव द बोथ सुपर ट्रेंड। ये थर्ड पॉइंट उन्होंने वीडियो के एंड में बताया है और उन्होंने कहा है कि अगर कैंडल दोनों सुपर ट्रेंड के बीच में होगा तो आपको एंट्री नहीं लेना। इसके लिए हमने इनको रूल बना दिया कि आपका कैंडल दोनों सुपर ट्रेंड के ऊपर होना चाहिए। लास्ट कंडीशन, यू शुड नॉट कंसीडर द फर्स्ट 9:15 कैंडल। ओके, अभी एंट्री वुड बी एट हाई ऑफ द एंट्री कैंडल, स्टॉप लॉस जो लास्ट 2 कैंडल और इफ सेकेंड कैंडल लो इज बिलो 0.3% देन यू शुड कीप द स्टॉप लॉस एज फर्स्ट कैंडल। ये बेसिकली एंट्री कैंडल और उसके पिछला कैंडल का जिसका भी लो नीचे रहेगा हमको उसको स्टॉप लॉस कंसिडर करना है। उन्होंने ये भी बोला था कि अगर सेकेंड कैंडल का लो बहुत नीचे है तो आप फर्स्ट कैंडल के लो को ही स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हो, बट सेकेंड कैंडल का लो बहुत नीचे है मतलब वो कितना परसेंटेज के टर्म में है ऐसा उन्होंने डिफाइन नहीं किया है। और ऑब्वियसली हमें स्ट्रेटजी टेस्ट करने के लिए उस चीज़ को क्वांटिफाई करना पड़ेगा, तो उन्होंने अपने वीडियो में एक एग्जांपल लिया है। जैसे ये देखिए निफ्टी का ये एग्जांपल में उन्होंने ये जो फर्स्ट कैंडल का लो पे स्टॉप लॉस रखा है, बोला कि ये सेकेंड कैंडल का लो बहुत नीचे है ऐसा उन्होंने वीडियो में बोला था, तो इसके लिए स्टॉप लॉस उन्होंने फर्स्ट कैंडल के नीचे रखा था। अब जब ये फर्स्ट कैंडल हम मेजर करते हैं तो इट इज़ अराउंड 0.27%, सो इसलिए हम इसको राउंड ऑफ करके 0.3% बोल रहे हैं ताकि बाद में ऐसा कोई ऑब्जेक्शन ना उठाए।
ओके सो हमारा कंडीशन क्या है कि स्टॉप लॉस आपका दोनों कैंडल में जो भी लो नीचे रहेगा आपको उसको कंसिडर करना है। अगर आपका सेकेंड कैंडल का लो 0.3% के नीचे है आपको फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे रख देने का है। और इसमें टारगेट भी उन्होंने दो बताया, एक टारगेट उन्होंने ऐसा डिफाइन किया कि अगर दोनों सुपर ट्रेंड में से कोई भी एक रेड हो गया तो आपको एग्जिट करना है, या फिर उन्होंने फिक्स रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखने बोला है, दैट इज 2:1। हम यहाँ पर फिक्स रिस्क रिवॉर्ड वाला ही चेक करेंगे। कमेंट में जरूर बताना अगर आप चाहते हो कि मैं सेकंड मेथड भी चेक करूँ। सो दैट्स आवर सेटअप। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखिए दोनों सुपर ट्रेंड ग्रीन है, RSI भी 60 के ऊपर है। सो तो हम एंट्री कैंडल के हाई के ऊपर बाई करेंगे और स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल लो रखेंगे और टारगेट 2x द रिस्क। और ये एग्जाम्पल वॉज विन। चलिए अब रूट्स फॉर सेल एंट्री भी देख लेंगे। बोथ सुपर ट्रेंड शुड बी रेड। ओके नेक्स्ट RSI शुड बी बिलो 40। थर्ड कैंडल वेयर ऑल दिस कंडीशन आर सेटिस्फाइड इट शुड बी बिलो बोथ द सुपर ट्रेंड एंड लास्ट डोंट कंसीडर द फर्स्ट 9:15 कैंडल। सो एंट्री वुड बी एट द लो ऑफ द एंट्री कैंडल, स्टॉप लॉस जैसे लास्ट टू कैंडल का हाई, और इफ सेकेंड कैंडल हाई इज अबाउ 0.3% देन कीप द स्टॉप लॉस अबाउ द फर्स्ट कैंडल। ये बेसिकली एंट्री कैंडल के जो पिछला कैंडल है आपको स्टॉप लॉस उसके ऊपर कंसीडर करना है। अगर वो 0.3% के ऊपर है तो आपको एंट्री कैंडल का हाई को ही कंसीडर करना है। इसमें भी उन्होंने टारगेट दो बताया है, अगर दोनों सुपर ट्रेंड में से कोई एक ग्रीन हो गया तो एग्जिट करना है या फिर फिक्स रिस्क रिवॉर्ड रखना है 2:1। यहाँ पर हम फिलहाल फिक्स रिस्क रिवॉर्ड के लिए चेक करेंगे। सो दैट्स आवर सेटअप। इसमें भी चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए दोनों सुपर ट्रेंड यहाँ रेड है और RSI भी 40 के नीचे है। सो हमने एंट्री कैंडल के लो के नीचे एंट्री लिया है और स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल का हाई रखेंगे और टारगेट 2x द रिस्क। सो ये एग्जाम्पल भी विन था। चलिए आई होप द स्ट्रेटजी इज क्लियर। आप उनका वीडियो भी जरूर देखिए अगर आपको स्ट्रेटजी के बारे में और जानना है तो। सो स्ट्रेटजी को हम 100x टेस्ट करते हैं और इसका असली विन रेट चेक करते हैं। आई लेट यू नो द फुल रिजल्ट आफ्टर द टेस्ट। सो लेट्स सी द रिजल्ट। सो द टेस्ट आर ओवर। जैसे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड 100 था, उसमें 54 वॉज विन एंड 46 वॉज लॉस। सो विन रेट हुआ 54%। टोटल गेन इन अकाउंट वॉज 47.46% एंड मैक्स ड्रॉडाउन इज -6%। मैक्सिमम रिस्क पर ट्रेड वॉज 1.58%। कंटिन्यूस विन इन अ रो वॉज 5 एंड कंटिन्यूस लूज इन अ रो वॉज 7 एंड टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट वॉज 1.052 months। जैसे आप देख सकते हो स्ट्रेटजी इज एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल, 47.46% गेन इन जस्ट 1.052 months। Also, drawdown and max RPT is just -6% and 1.58% respectively, which according to me is more impressive than anything else. I would any day take a decent gain strategy where my risk per trade and drawdown is lower compared to an high gain strategy where my risk per trade and max drawdown is quite high. और ये strategy में आप देख सकते हो gain भी बहुत ही अच्छा है. Honestly speaking, मेरे को strategy बहुत अच्छा लगा. एकदम simple है और straightforward है. कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं है। बिगनर्स के लिए भी ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। कूडोज टू CA अक्षता उड़पा फॉर शेयरिंग सच अ अमेजिंग स्ट्रैटेजी। एज ऑलवेज जैसे मैं बोलता हूँ आपको सीधा मेरी बात या किसी के बात भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। हर स्ट्रैटेजी को आपको खुद को टेस्ट करना है और फिर डिसाइड करना है कि स्ट्रैटेजी कैसा है। सो आई लाइट द स्ट्रैटेजी इन द गूगल शीट, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड दिस टेक्स द 4th पोजिशन इन द लिस्ट। यू कैन चेक द लिस्ट एंड रिव्यू और रीवॉच एनी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी यू लाइक। So guys, if you like the video, please support us by subscribing to the channel and hitting the bell notification and do like the video and share the video. अगर आप हमको support करना चाहते हो तो UPI ID आपके screen पे होगा। और अगर आपको back testing sheet चाहिए तो हमने इसे already हमारे channel में share किया है। आपको एक video suggest हो रहा होगा या फिर मैं link description में डाल दूंगा, आप उस video को जरूर checkout करना, आपको समझ जाएगा। Please comment में आपके feedback दीजिए और कौन सी strategy आप चाहते हैं कि हम back test करें अपने future videos में, ये भी जरूर बताना। आप हमारे channel की playlist देख सकते हो, उसी strategies के videos भी देख सकते हो। All the social media links will be in the description. Please follow us and show your support. More awesome contents are on the way. So see you next time.